शनिवार को प्रदोष का व्रत रखने के फायदे। शनिवार को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत एक अचूक उपाय है। खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। विभिन्न मतों से शनि प्रदोष को महाप्रदोष तथा दीप प्रदोष भी कहा जाता है। कुछ विद्वान केवल कृष्ण पक्ष के शनि प्रदोष को ही महाप्रदोष मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष का दिन शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 4 शनि प्रदोष करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, साथ ही वह पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह खोए हुए धन एवं जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर संभव हो तो शनि प्रदोष को सायंकाल 1000 अथवा 100 अथवा कम से कम 32 दीपक शिव मंदिर में जरूर लगाएं। सर्वोत्तम रहेगा अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। शनि प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में हनुमान जी कहते हैं कि एष गोप सुतो दिष्टिया प्रदोषे मंदवासरे अमंत्रेणापि संपूज्य शिवम शिवम वाप्तवान। एक गोप बालक ने शनि प्रदोष के दिन बिना मंत्र के भी शिव पूजन कर उन्हें पा लिया था। मंदवारे प्रदोषोयम दुर्लभः सर्वदेहिनाम तत्रापि दुर्लभः तस्मिन् कृष्ण पक्षे समागते। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, शनिवार को प्रदोष व्रत सभी देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और भी दुर्लभ होता है। कार्तिकेय शुक्ल पक्षे तो मंदवारे त्रयोदशी समग्रा यदि लभ्येत सर्व प्राप्त्येन संशयः। स्कंद पुराण में एक और वर्णन आता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। उस प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूप धारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारण संयुता आरंभेत व्रतम तत्र संतान फल सिद्धये। शुक्ल त्रयोदशी शनिवार को हो तो संतान फल की सिद्धि के निमित्त शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए।